हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और आज ना समीर की छुट्टी हो गई क्योंकि हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, इसलिए समीर ने छुट्टी कर ली। और आज वैसे परसों रात में मेरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे और मैं सोच रही थी ब्लॉग का, बट नहीं हो पाया, मैं नहीं बना पाई। और थैंक यू सो मच गाइस मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मेरे 10K हो गए, कल 1 लाख भी हो जाएंगे। मुझे विश्वास है आप लोग 1 लाख भी करवा ही दोगे। तो बस ये है कि थोड़ा सबर करना पड़ेगा और मैं रोज़ वीडियोस डालती रहूँगी, धीरे धीरे सब हो जाता है यार। एक वो होना चाहिए विश्वास खुद के ऊपर, और मेहनत तो मैं करती हूँ जैसे कि आप सबको पता है, और एक दिन 1 लाख भी हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि 10K का सेलिब्रेशन करूँ कि नहीं, मैं ये सोच रही थी परसों से। परसों रात में हुए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बट मैं व्लॉग नहीं कर पाई। और आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं ऐसे ही बाहर घूमने चली जाऊँ। वैसे तो हम लोग कहीं जाते नहीं है घूमने, आप सबको पता है, अब नहीं जाते क्योंकि पहले क्या था, हम दो अकेले थे बाइक पे बैठे, कहीं पर भी निकल लिए। लेकिन अब इसके साथ कैसे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इसके साथ बाइक पे कैसे ही बैठूंगी, क्योंकि मुझे नहीं आता बैठना बाइक पे बेबी को लेके, क्योंकि बेबी को लेके मैं कैसे ही बैठ पाऊंगी। इसलिए सोच रही हूँ कि कैसे ही जाएं हम लोग, बट ठीक है, बाइक से नहीं तो ऑटो से चले जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन करना भी ज़रूरी है। 10K बहुत बड़ा मेरे लिए है, आप लोगों के लिए पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि 10K मतलब 10,000 लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझे देखते हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है ये। ये भी हंस रहा है, खुश हो रहा है कोई भी। तो बस अभी समीर गए हैं, उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बाइक में, तो उसको ठीक करवाने के लिए गए हैं अभी वो। तो जैसे ही वो आते हैं फिर मैं सोच रही हूँ कि उनसे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कहाँ जाएंगे, क्या करना है, घूमना है कि नहीं, और सेलिब्रेशन करना है कि नहीं। और गाइस थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल रहे थे आप लोग 10K के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है यार मेरे लिए। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, बट बाहर बारिश होने लगी बहुत तेज बारिश होने लगी, निकलते निकलते रुकना पड़ रहा है, पता नहीं कब रुकेगी, वैसे रुक जाएगी। आदम कब कौन रेडी है, बड़ा एक्साइटेड जाने के लिए, बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ बेटा। तुम देखो पापा और हम लोग यानी किसी लगते हैं ना, नहीं लगते, देखो गाइस वो हम पे गया, ठीक देखो 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 नहीं हम पे गया वो। अच्छा मिला लो हम मिला लो, हम तो देखो ना कैमरे पे गाइस। अब ये थोड़ा सा मतलब माशाल्लाह सही हो रहा, मतलब पतला था ये पहले बहुत ज्यादा, अभी थोड़ा सही हो रही है इसकी हालत। तो पता नहीं कब निकलेगी, और यार हम तैयार हो गए थे। हमारे साथ ही ऐसे क्यों होता है यार, इसकी सारी चीजें रख ली थी, इसको काला धागा पहना दिया। ये तो इसको छोटा पड़ रहा है, छोटा कौन देखो ना, हाँ अब छोटा पड़ रहा है यार ये, इसमें मतलब ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो उसके हिसाब से ये। अरे यार चलो रुक गई होगी अब तो, चले अंदू बेटा चले, पूरा फैला हुआ हो गया कि कहा हुआ मुम्मू लेके नहीं जा रही, मम्मा नहीं लेके जा रही ना, हैं झूठा वादा करती है मम्मा, नहीं हम लेके जा रहे, नहीं नहीं झूठा वादा करती है, झूठा वादा करती है, हम अमरूद के झूठा वादा करती है नहीं। ओ ले ले चलो वो तो रुक जाएगा, क्योंकि अभी वो है ना बादल ज्यादा है नहीं है ऊपर, इसलिए रुक जाएगा।
कैसे पकड़ के रेडी होगी तुम? ये तो पूरा दिख रहा है यार। यार मतलब ये तो छोटा हो गया, क्या करें उसमें, रजाई मिली। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है इसके लिए, कुछ ऐसा जिससे अच्छे से कवर हो जाए। ये ले जाएंगे, अच्छा लगेगा। गाइस अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, क्योंकि बारिश का टाइम है। बेबी को ऐसे नहीं ले जा सकते, और बेबी का सारा सामान इसमें रख लिया, एक्स्ट्रा डाइपर और वो पहने भी है, सारी चीज़ें हैं। इसको बाहर घूमना बारिश में, उसको वही तो लेके चलो उसको बाहर। जल्दी चलो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहा है, स्लीप हो क्या? चलो चलो, पंखा बंद कर दो यार अब। चलो चलो चलो, अच्छा चल रहा है, चल रहा है। तुम्हारा क्या फायदा लेकिन बिट्टू, हैं तुम तो कुछ खा ही नहीं पाओगे ना, तुम तो सिर्फ उद्दा पीते हो। गाइस अब ये चेंज हो गया, पहले से आप लोगों को क्या लग रहा? मुझे लग रहा कि ये चेंज हो गया, क्योंकि पहले ये अलग लग रहा था और अभी थोड़ा मतलब पहले दुबला और सूखा टाइप का लग रहा था, अभी सही लगने लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखना। अच्छा चलो अब निकलते हैं, क्यों निकले आप? इसको लोगी कहाँ में, लेकिन ये तो छोटा है, इसी में ले लेंगे यार। हाँ इसमें ले चलते हैं, लेकिन ये सही है ना, बड़ा नहीं लग रहा कुछ ज्यादा। अरे तो बड़ा ही थे, दो वो भी बड़ा ही। हाँ ठीक है लो। अरे भूख लग रही है, हाँ दूध पिला के ले चलो। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, बारिश रुक चुकी है, तो ताला लगा दें। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, कर रहा है। क्यों मंगाओ कुछ? तो गाइस घूम फिर के हम लोगों को पेपर स्मॉल ही आना पड़ा, क्योंकि सारी जगह पे हम लोग ने ट्राई किया, मुझे कुछ भी जगह पसंद नहीं आ रही थी इसलिए, और हर बार यहीं आना पड़ता है। मतलब यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, थक गए गाइस, मतलब कोई भी अच्छी जगह ही नहीं मिल रही थी हम लोगों को, यही सही लगी सुकून की, क्योंकि हम लोगों को सुकून की जगह चाहिए थी। क्या कर रहे हैं वो? ये पूरे रास्ते में सोता हुआ आया और अभी भी सो रहा है। कर लो ना सोफे पे, जगह है तो इसकी पूरी। वो बाइक पे मेरे हाथ दुख गए, बैठते नहीं बन रहा था बाइक पे, बहुत मुश्किल से बैठे इसको लेके। सोफे पे अच्छा लग रहा होगा उसको, मुलायम मुलायम। सामने के नज़ारे कुछ इस टाइप के हैं, यहाँ तो सबसे सही यही जगह लगती, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ, इसीलिए यही जगह ठीक है। वो पास में भी है हमारे घर से, तो इतनी दूर फालतू में गए थे अपन, मतलब है ना टाइम वेस्ट किया। पूरा नाइट में खुलता है ना वो। चलो अब चलो 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 चलो। सो गाइस यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोगों को याद होगा ये जगह, यहाँ पे हम लोग पहले आए थे जब बेबी पेट में था, अभी बेबी को लेकर आए हैं। 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, और 1 मंथ के बाद कहीं पर भी जा सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, इसलिए आज पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है मैं 1 महीने से कैद में थी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता था, क्योंकि इस चीज़
सेक्शन से डिलीवरी के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप कभी ठीक हो ही नहीं पाओगे, ऐसा फील होता है अंदर से, लेकिन सच बताऊँ तो 10 दिन में आप एकदम ठीक हो जाते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने सोचा कि आज चलो घूमने ही चलते हैं, और बेबी बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे उसको, और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी करी थी, बट म्यूज़िक चल रहा था ये बात मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। हमदू ना बाइक पे सो गया था, और जब यहाँ हम लोग पहुँचे तो उठ गया था, बहुत देर तक खेलता रहा और जगता रहा क्योंकि उसको यहाँ पे मज़ा आ रहा था और बहुत उचक रहा था वो यहाँ पे। और उसके बाद उसको दूध वगैरह पिलाया क्योंकि फिर उसे भूख भी लग गई थी, क्योंकि मैं एक बॉटल में करके ले गई थी, और इसका सारा सामान मैं एक्स्ट्रा ही लेके आई थी क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए बारिश का टाइम है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है बेबी के साथ कहीं पर भी घूमने जाओ, तो इसीलिए एक पाउडर, इसका जो मिल्क पाउडर होता है वो मैंने एक पुड़िया में बांध लिया था, और अलग से बॉटल में गुनगुना पानी रख लिया था, मतलब गर्म बॉईल किया हुआ पानी ठंडा करके। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने, वैसे हम लोग बस ऐसे घूमने के उससे आए थे क्योंकि मैं घर में रह रहे के काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी, तो बाइक पे तो काफ़ी ज़्यादा घूमा, लेकिन सच बताऊँ तो घूमने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि मेरे जो हाथ हैं वो दुख रहे थे बेबी को गोद में लिए लिए, और अकेले घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन बेबी के साथ घूमना थोड़ा मुश्किल होता है सच बताऊँ तो। लेकिन यार बेबी के बिना भी नहीं घूम सकती, उसको लेके भी नहीं घूम सकती, तो करूँ क्या। यहाँ पे बेबी को भी हम तीनों ही खाना खा रहे थे, बेबी को दूध पिला रहे थे और पाव भाजी और एक पिज्ज़ा मंगाया था, उसके बाद डोसा मंगाया था, डोसा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ का डोसा काफ़ी अच्छा था, बट समीर को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो वो पूरा मैंने ही खाया। और चले बाहर खींची ली अपन ने फोटो, चले चले बाहर बाय। तू इसको लेके खड़ी रहना, बाइक ही खड़ी ले आएंगे। हाँ लाइफ भी तुम्हें डरी लगेगी। हाँ ठीक है, ऐसा अंदर अंदर आना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली अभी घर आ गए हैं, और ये पूरे रास्ते पे सोता हुआ आया, सोता हुआ गया, वहाँ पे भी ज़्यादातर सो रहा था, फ़ोटो क्लिक करते टाइम भी ये सोता ही रहा, और अब जैसे ही घर आए वैसे ही उठ चुका है और रोने लगा, इसकी यही आदत। अल्लाह क्या क्या है। और समीर गए हैं केक लेने के लिए क्योंकि 10 के सब्सक्राइबर के लिए केक कट करेंगे अभी, और ये ना बिल्कुल चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। ओ मम्मा के 10 के सब्सक्राइबर हो गए, सबको थैंक यू बोलो, बोलो कहना थैंक यू सो मच गाइस मम्मा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और मम्मा को पैसे कमाने के लिए मम्मा को थैंक यू बोलो कहना थैंक यू, आप सबकी वजह से मैं खूब घूमा आज, खूब घूमा। चलो बस ना, ये क्योंकि इसने वहाँ पे भी दूध पिया था और पी नहीं रहा, मतलब अभी बस इसको गोद ही चाहिए, कभी कभी ये बिना फालतू में भी रोता ना, ये भूखा होता। हाँ इसकी एक बार चेक कर लें, डाइपर तो नहीं लीक होगा। नहीं हुआ तो क्यों रो रहा है, दूध बना दे, चुप रहना बिल्कुल, रोना मत ठीक है, रोगे तो नहीं। चुप हो जाओ, आ रहे और डी 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 आ रहे, बस आ रहे डुगू, बस बस आ रहे मेरे बच्चा, आ रहे क्यों, डो 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 डो, चुप हो जा। मम्मा है, मम्मा अभी मम्मा केक कट करेगी, पापा आ जाए केक लेके। अरे यार क्यों, क्या दिक्कत है, दूध पी लो, लो क्यों, तो फिर क्या चाहिए, क्या चाहिए, गोदी चाहिए, गोदी आ जा लो,
चुप हो जा गाइस, इसकी यही तो ड्रामा है बस। रात में भी ये कभी कभी ऐसे ड्रामे करता, आज तो इसने बहुत जगाया था रात में और बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ सच में। बेटा क्या है, इसको झूला झूला, चुप हो जाता है, ये देखो चुप हो गया, झूला झूला होना तो चुप हो जाता। बेटा 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 चुप 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 चुप, अभी मैं इसको चुप करा दूंगा ये सबसे पहले तो, पहले तो मेरे बच्चो मेरे डुकू। इस पे गाइस हम लोगों ने अलग से नहीं बनवाया और ना ही, क्योंकि बस खाने के उससे हम लोग लेके आए और ना उस पे 10 की लिखवा पाए है ना, 10 की लिखा है, कहाँ लिखा, 10 की। ओह अच्छा लिखा है गाइस, लिखा कहाँ लिखा। हाँ तो गाइस यहाँ पे 10 के लिखा हुआ है। चलो तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर 10 के सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच गाइस मेरी बीवी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ओके गाइस चलो अब केक कट होगा, ताली बजाओ, क्या है हैप्पी 10 के सब्सक्राइबर, हैप्पी 10 के सब्सक्राइबर, ताली बजाओ, तुम भी बजाओ, तुम भी बजाओ, मम्मा का हैप्पी हैप्पी। मुँह मीठा करो तुम भी, लो क्या है नहीं दिखने का है, हम अपने 10 के तो खा जाए, बोलो पे 10 के लिखा ना, ये पूछ रहा होगा कि वाला की 10 के क्यों, काहे से लिखा यार, ये चॉकलेट का टेस्ट आ रहा। प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी सेलिब्रेशन में, मैं ये सोचती कि पेस्ट्री मंगा लें, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा रहता और समीर इतना ज़्यादा खाते नहीं है तो हमें अकेली खाना पड़ता, हटो तो यार बात करने दो, तो हम हो जाएंगे क्या मोटे, तो इसीलिए हम पेस्ट्री मंगाते क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाती, तो ये बहुत बड़ा रहता और ये सब हमारे पेट में जाता है इसीलिए, और बाटे तो कहाँ बाटे, इसीलिए मतलब अभी तो खैर बाटी दूंगी मैं, क्योंकि अभी मुझे वेट कम करना है उल्टा, और ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बस थोड़े ही खाऊंगी क्योंकि ओवर हो जाएगा फिर, चलो बस रख दो। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब हो गए हैं रात के 10 बज गए हैं, तो अब सोने का टाइम है, बिस्तर वगैरह बिछाऊंगी और खाना भी बनाना है अभी तो, वैसे देखती हूँ क्योंकि ऐसा करूँगी रोटी बना लूँगी और सालन जो है सब्जी होटल की हो जाएगी, तो उससे ये रहेगा कि थोड़ा दोनों चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, मतलब रोटी अकेली मैं बना लूँगी घर पे, तो ऐसा करेंगे। अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय बाय।